हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिलहाल मेरे सामने खड़े भाई होंडा सिटी। अब होंडा सिटी का वेरिएंट की बात करें तो भाई बी वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। अब इसका कंप्लीट रिव्यू की बात करें तो भाई रिव्यू में भाई इससे पहले नहीं चलूंगा जिससे जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते भाई, ठीक है। सब्सक्राइब बटन आपने नीचे जो दे रखा है उसको फटाफट से प्रेस करना है, एंड जिससे कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली का भी जो है आप भी पार्ट जो है बन जाएंगे सब्सक्राइब करते ही। उसके अंदर भाई आपको कुछ भी नहीं लग रहा, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, सो आपने सब्सक्राइब कर देना है जिससे कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है जी। सो शुरुआत करते हैं होंडा सिटी वी वेरियंट के रिव्यू से, फ्रंट प्रोफाइल से, ठीक है। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कंप्लीट बीच में होंडा का लोगो, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पर क्रोम लाइनिंग जो है यहाँ से आप कंप्लीट देख सकते हैं। रनिंग जो है दी गई है। हेडलैम्प की अगर बात करते हैं सेटअप की तो इसके अंदर अगेन हमें प्रोजेक्टर ही जो है दिया जाता है वी वेरिएंट के अंदर भी। नीचे चलते हैं, यहाँ पर हमें फॉग लैम्प भी जो है इसके अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है, क्या ही बात है, ठीक है। सो कंप्लीट जो है फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीट हमने कवर कर ली गई है। इसके अंदर ऐसा कोई DRL या फिर वो कुछ नहीं मिलता। इंडिकेटर की बात करें तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा हमें सिंपल ही नॉर्मली जो है वो इसके अंदर दिया जाता है। बाकी अगर आप अपर वेरिएंट्स में जा रहे हो तो भाई उसके अंदर आपको जो है DRL भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है जी। भाई अगर आप चलते हैं थोड़ा सा कार के साइड प्रोफाइल में, तो साइड प्रोफाइल में हमें क्या कुछ जो है देखने को मिलने वाला है, सो वो भी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। टायर प्रोफाइल से सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमें बेसिकली दिए जाते हैं MRF के टायर बाय द प्लांट इटसेल्फ एंड टायर प्रोफाइलिंग को। टायर प्रोफाइल बेसिकली क्या दी गई है इसके अंदर, सो मैं आपको बताता हूँ। 185/60R15 185/60R15 की जो है टायर प्रोफाइल इसके अंदर हमें दी जाती है। अलॉय व्हील्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो इसके अंदर लग रहे हैं, एंड कार के जो कंप्लीट जो दिया गया है इसका, तो उसके साथ जो है भाई काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़िया जो है कार के साथ निकल के आ रहे हैं क्या अलॉय व्हील्स। फ्रंट में इसके अंदर हमें दी जाती है भाई डिस्क ब्रेक्स, एंड वही अगर हम बात करते हैं रियर में तो इसके अंदर हमें दी जाती है भाई ड्रम ब्रेक्स। यहाँ पर हमें दिया जाता है भाई फेंडर लाइनिंग, फेंडर बेसिकली फेंडर के ऊपर भी यहाँ पर हमें सिटी का जो है अगेन यहाँ पर मोनोग्राम देखने को मिल जाता है क्रोम विद ब्लैक कलर फिनिश, अगेन क्रोम, तो भाई अगेन जो है काफ़ी अच्छी जो है फिनिश कार की बना के लाता है, ठीक है। और भी हम जिसको विंग मिरर कहते हैं अगर उसकी बात करते हैं तो वो यहाँ पर हमें अगेन दिया जाता है। अगेन इसके ऊपर इंडिकेटर की बात करेंगे, अगेन LED जो है वो हमें इसके अंदर प्रोवाइडेड करवाया जाता है। डोर हैंडल की बात करेंगे बॉडी पेंटेड ही हमें देखने को मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर हमें दोनों ही तरफ मिलता है, ड्राइवर साइड एंड कोपैसेंजर साइड दोनों ही साइड, सो अगेन ये भी जो है अगेन प्लस पॉइंट निकल के आता है होंडा सिटी की तरफ। अगेन यहाँ पर जो है पीछे यहाँ पर आपको फ्यूल लिड जो है देखने को मिलने वाला है। अगेन स्पॉइलर की बात कर लेते हैं तो भाई वो जब हम रियर में जाएंगे जब करेंगे। ऊपर आपको रूफ रेल जो है इसके अंदर ऐसा नहीं देखने को मिलती। रूफ की तरफ अगर हम चलते तो यहाँ पर हमें शार्क फिन एंटीना भी जो है प्रोवाइडेड करवाया जाता है। रियर में इसके अंदर ड्रम ब्रेक ही जो है ऐसा प्रोवाइड करवाई जाती है, डिस्क ब्रेक नहीं मिलती। रियर में अगर हम चलते हैं कार के साइड एंड फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीट कवर हो चुकी है। जैसे कि रियर में अगर हम चलते हैं यहाँ पर अगेन जो है पीछे टेल लैम्प सेटअप दिया गया है। एलिगेंट एडिशन जो है वो यहाँ पर हमें प्रोवाइडेड करवाया जाता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एलिगेंट एडिशन, ठीक है। सो यहाँ पर हमें अगेन होंडा का लोगो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे IVTEC हमें मोनोग्राम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिटी होंडा सिटी, ठीक है, उसका यहाँ पर ओनली होंडा सिटी है, जैसे कि आप इसको ओनली होंडा सिटी कह के बुला सकते हो। होंडा का यहाँ पे लोगो दिया गया, यहाँ पे सिटी का मोनोग्राम हमें यहाँ पर प्रोवाइड जो है करवाया जाता है। टेल लैम्प की बात करोगे अगेन इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है LED ही, ठीक है, सिर्फ टेल लैम्प, सिर्फ रेड लाइट जिसकी बात करते हैं उसकी। यहाँ पर अगेन हमें स्पॉइलर भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अगेन इसके ऊपर भी जो हाई स्टॉप माउंटेड लैम्प यहाँ पर भी दिए गए, ब्रेक लाइट जिसको आप कह सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी जो है लाइट जो हमें देखने को मिल रही है, जैसे ये नॉर्मली कार्स में ऊपर दी जाती है SUV में हाई स्टॉप माउंटेड लैम्प, तो हमें सेडान्स में यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमें सेडान्स के अंदर भाई वो वाइपर देखने को हमें नहीं मिलता, यहाँ पर सिर्फ हमें जो है डिफॉगर ही जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। वहीं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमें एक कैमरा भी है इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। अगेन रियर में इसके अंदर 1, 2, 3, 4 जो है पार्किंग सेंसर्स रियर में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नीचे आपको रिफ्लेक्टर भी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है जी। अब चलते हैं कार के फटाफट से इंटीरियर में, सबसे पहले चलते हैं कार के रियर में, तो क्या कुछ आपको रियर में प्रोवाइड करवाया जाता है। सैंड ऑफ व्हीकल भाई डुअल टोन इंटीरियर ब्लैक एंड बेज का जो है कंप्लीट कॉम्बिनेशन रखा गया है, जो कि अगेन कार को भाई प्रीमियम फील सेडान है भाई होंडा सिटी, सबको पता भाई कितनी कंफर्टेबल कार है। आप इसको कितने ही मर्जी किलोमीटर ले जाओ कहीं आपको कुछ धोखा नहीं देगी। इंजन रिलायबिलिटी बॉडी रिलायबिलिटी भाई बहुत ही बढ़िया जो है होंडा सिटी प्रोवाइड होंडा जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। और बात करते हैं यहाँ डोर पैनल की फटाफट से, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट फैब्रिक आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये जो दिया गया ये प्लास्टिक यूज़ करा गया, यहाँ पर डोर लॉक अनलॉक के लिए, यहाँ पे पावर विंडोज़ के लिए यहाँ पे मिल जाता है स्पेस टू कीप सम स्टफ, बेसिकली बॉटल होल्डर भी जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देते हैं, साथ में थोड़ा बहुत जो है सामान जो रख सकते हैं। यहाँ पर स्कफ प्लेट जो है वो हमें यहाँ पर सिटी की देखने को मिलने वाली है, ठीक है जी। सीट्स की बात करोगे भाई बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, चाहे फिर वो फ्रंट सीट्स की बात करो चाहे रियर की, बट देन भाई रियर सीट्स जो है ना इसकी बहुत बढ़िया है कंपैरेटिवली वरना के। रियर सीट्स इसकी कंपैरेटिवली कर रहे हैं, मतलब इसको वरना कंपेरिजन करते हैं भाई, रियर सीट्स इसकी बेसिकली होंडा सिटी की ज़्यादा अच्छी है, जस्ट बिकॉज उसके अंदर लेग स्पेस कम है। वरना के अंदर इसके अंदर लेग रूम जो है अच्छा दिया जाता है, तो आप कंफर्टेबली कहीं भी जो है राइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है हैंड रेस्ट इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है, दो कप होल्डर के साथ बेसिकली। ऊपर हमें ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है और तीन ही हमें जो है रियर में देखने को मिल जाते हैं
हैंड बेसिकली हैड रेस्ट, हैंड रेस्ट मैंने आपको दिखा दिया, दो कप होल्डर के साथ मिलते हैं। यहाँ पे हमें दो एसी वेंट्स भी जो है रियर में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है 12 वोल्ट का एक चार्जिंग, एक नहीं भाई दो दो चार्जिंग बेसिकली पावर आउटलेट जो है वो हमें देखने को क्लियर जो है हमें देखने को मिलने वाले हैं इस कार के अंदर, क्योंकि वी वेरिएंट। तो भाई इसके अंदर आपको फोर स्पीकर का सराउंड सिस्टम जो है इसके अंदर आपको प्रोवाइड करती है होंडा, होंडा सिटी में, ठीक है जी। यहाँ पर अगेन हमें पॉकेट्स देखने को मिल जाती है, मैगजीन होल्डर इसको आप कह सकते हैं। फटाफट से चलते हैं कार के फ्रंट बेसिकली सीट्स की तरफ कि क्या कुछ हमें फ्रंट डैशबोर्ड एंड फ्रंट सीट्स पे जो है क्या कुछ फीचर आपको देखने को मिलने वाले। सो जैसे ही हम डोर खोलते हैं, सो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा भाई कार के बहुत ही बढ़िया डैशबोर्ड की तरफ, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया आपको जो है अपीयरेंस निकाल के देने वाला है, ठीक है। ड्राइवर साइड की बेसिकली बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर अगेन हमें फैब्रिक का यूज़ करा मिलने वाला है। यहाँ पर हमें मिल रहे हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पावर विंडोज के कंट्रोल। यहाँ पर हमें ORVM जिसको आप विंग मिरर कह सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। अगेन डोर लॉक अनलॉक के लिए, चाइल्ड सेफ्टी के लिए यहाँ पर दिया गया हमें। सीट्स की बात कर लोगे तो अगेन यहाँ पर जो है मैनुअली एडजस्टेबल देखने को मिलने वाली है। अगेन स्कफ प्लेट भी जो हमें इसके अंदर देखने को क्लियरली मिलने वाली है, किसकी, सिटी की, द होल न्यू होंडा सिटी की, ठीक है। यहाँ पर हमें सीट्स जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। फटाफट चलते कार के इंटीरियर में, बैठते सीट पर एंड फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ जो इसके अंदर हमें दिया जाता है। सो अब मैं आ चुका हूँ भाई होंडा सिटी के वी वेरिएंट के इंटीरियर में, फ्रंट सीट पे बेसिकली क्या कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपका ध्यान जाने वाला है भाई स्टीयरिंग व्हील की तरफ। तो भाई इसके ऊपर ऐसा कोई आपको लेदर रैप्ड या किसी भी तरह का आपको स्टीयरिंग कवर नहीं देखने को मिलता। 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल, क्या बात है भाई, वी वेरिएंट से जो है आपको इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी जो है देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ADAS भी जो है आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ADAS भी जो आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो इसके अंदर आपको प्रोवाइडेड करवाया जाता है बाय द होंडा इटसेल्फ। यहाँ पर आपको मिल जाता है कंट्रोल फॉर फ्रंट वाइपर एंड वॉशर एज वेल। यहाँ पर हमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं किस लिए, फॉर बेसिकली ऑटो हेड लैम्प भी जो इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इधर मिलने वाला है डीपर के लिए, हाई बीम, लो बीम के लिए, इंडिकेटर के लिए, फॉग लैम्प के लिए, सब कंट्रोल जो आपको यहीं पर देखने को मिलने वाले। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। डैशबोर्ड भाई बहुत ही बड़ा जो इसके अंदर दिया गया, मतलब बहुत बड़ा डैशबोर्ड दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर मतलब अच्छी अपीयरेंस बना रहा है भाई। सेडान है तो भाई सेडान होती है कंफर्टेबल के लिए, भाई बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप इसका ऑटोमेटिक भी लोगे तब भी आपको मज़ा आने वाला है, जो CVT प्रोवाइड करती है होंडा, ठीक है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मैंने बताई दिया, यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अगेन यहाँ भी देखने को मिलने वाला है। अगेन वॉइस कमांड भी इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर जो है ये स्विच दिए गए, ये किस लिए स्विच दिए गए, बेसिकली जो बीच में MID एंड कंप्लीट जो दी गई है LED MID जो सेंटर में दी गई है। साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के अंदर ये दोनों RPM मीटर विद स्पीडोमीटर दिया गया है, इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए, कंप्लीट इस इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए वो यहाँ पर स्विच हमें दिया जाता है, ठीक है। अगेन थोड़ा सा अगर इधर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमें 1, 2, 3 और 4 एसी वेंट्स फ्रंट में, 2 हमें रियर में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमें हैजार्ड लाइट के लिए यहाँ पर स्विच दिया गया। अगेन टच स्क्रीन की बात करूँ भाई, ऑल गुड, थम्स अप भाई, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्सिव है, मतलब रिस्पॉन्सिव तो बहुत, मतलब मस्त, आपको इसको चला के ना मज़ा आने वाला है, ठीक है जी। यहाँ पर अगर हम चलते हैं, यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का भी जो है यहाँ पर हमें कंप्लीट मिलने वाला है। यहाँ पर हमें मिलने वाला स्पेस टू कीप सेंसर ऑफ, यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए दिया गया। यहाँ पर हमें दिया जाता है 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट। यहाँ पर हमें वायरलेस चार्जिंग के लिए दिया जाता है, अगेन जिसका जो है कनेक्शन यहाँ पर इसके अंदर दिया गया है, ठीक है जी। यहाँ पर भी पीछे स्पेस है नहीं, मतलब बट देन अगर आप चाहो तो कुछ छोटा मोटा कुछ सामान रखना, पेन पेंसिल कुछ, मतलब पेन जैसे अगर आप कैरी करते हो तो वो रखना हो तो वो आप यहाँ पर सिंपली रख सकते हैं, या फिर की फॉब भी जो है वो यहाँ पर आप जो है आराम से रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ वायरलेस चार्जिंग के लिए हमें देखने को मिल जाता है। ऑन ऑफ के लिए हमें यहाँ पर जो है ऑप्शन स्विच जो है बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यहाँ 6-स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो गियर बॉक्स है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। पावर कितनी क्या कुछ प्रोड्यूस करता है, 1500 CC का IVTEC 4-सिलेंडर इन लाइन इंजन जो है बेसिकली कितनी क्या कुछ पावर प्रोड्यूस करता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ सारा कुछ। मैनुअल हैंड ब्रेक इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। रियर जो रिवर्स कैमरा उसकी क्वालिटी अगेन ऑल गुड जो हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। 3 तरह के जो है मोड्स भी इसके अंदर आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं। हैंड रेस्ट की बात करोगे, इन ये भी जो है फैब्रिक जो है इसके ऊपर यूज़ करा गया, इन इसके अंदर भी आपको मिल जाता है एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस टू कीप सम स्टफ। यहाँ पर अगर हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है अगेन IRVM जो कि अगेन मैनुअली एडजस्टेबल है। ऊपर यहाँ पर रूफ लैम्प जो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। को पैसेंजर साइड बात करते हैं, यहाँ पर हमें वैनिटी मिरर जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है जी, बिना लाइट के। वही ड्राइवर साइड की बात करते हैं, यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है वैनिटी मिरर जो कि बिना लाइट के ही हमें देखने को मिलने वाला है। सो अब ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं कि कितना क्या कुछ हमें स्पेस ग्लव बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो भाई ठीक ठाक से जो स्पेस आपको ग्लव बॉक्स में भी प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। सो
अब कंप्लीट जो इंटीरियर का कवर हो चुका हुआ है, अब ये भी तो आपको बताना बहुत जरूरी है कितनी क्या कुछ जो है पावर प्रोड्यूस करता है इसके अंदर। 1500 cc का इंजन आता है वो, सो वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। जो इसके अंदर भाई 1500 cc का IVTEC 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन जो होंडा प्रोवाइड करती है अपनी होंडा सिटी के अंदर, तो भाई ये प्रोड्यूस करता है 119 bhp विद 145 Nm ऑफ टॉर्क, 145 Nm ऑफ टॉर्क, ठीक है। सो कार का रिव्यू आपको कैसा लगा, कैसे लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना, एंड चैनल को कर लेना भाई सब्सक्राइब जाने से पहले, एंड लाइक शेयर कमेंट जो वीडियो को अपने जरूर कर लेना, एंड वीडियो आपको कैसी लगी भाई जरूर बताना कमेंट डाउन करके, एंड वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच।